हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 16th of March 2021। तो 16 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो अभी तक लगभग दो तीन सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन स्टिल ज्वाइन, आपको पुराने वीडियोज भी विजिबल रहेंगे। लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक्स हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आज के सवाल देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, इनमें से कौन सी रिट के द्वारा एक हायर कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट के डिसीजंस को क्वेश करती है। ऑप्शंस आर ए सर्शियोरेरी, बी प्रोहिबिशन, सी क्वो वारंटो या डी मैंडमस। क्वेश्चन नंबर टू इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IIP के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट शोज द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द एक्टिव सांगे वॉल्केनो, सांगे वॉल्केनो इनमें से कहाँ पे लोकेटेड आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए चिली, बी इंडोनेशिया, सी इक्वाडोर या डी तंजानिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ पर है आपका सांगे वॉल्केनो। तो ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, अगर आप इसका आंसर कर सके तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फ्रॉम माय साइड, काफ़ी अच्छा रहेगा ये, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू आस्क इन क्वेश्चंस फॉर्म, ठीक है। अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है, ओवर 60% OVC SC पोस्ट्स वैकेंट इन IIMs। अब यहाँ पर IIMs के बारे में बताया जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द फैकल्टी पोजीशंस विच आर रिजर्व्ड फॉर द OVCs इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर वैकेंट, वाइल 40% ऑफ दोज रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स ऑल्सो रिमेन अनफिल्ड। मतलब कि ये इशू है बेसिकली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIM हो या IITs हो। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि IIM और IITs ने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया जो प्रोफेसर्स की पोस्ट में उसमें ना रहे, है ना। तो उनका ये कहना है कि कोई ज़्यादा मेरिट नहीं मिल पा रही है, मेरिटोक्रेसी नहीं फुलफिल हो पा रही, इस कारण से वो पोस्ट वैकेंट है। लेकिन अभी डेटा जो आंसर आया है सेशन में, उसमें पता चला है कि मोर देन हाफ ऑफ द फैकल्टी पोजिशन विच आर रिजर्व फॉर OVCs इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन दे आर वैकेंट, वाइल 40% ऑफ दोज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स ऑल्सो रिमेन अनफिल्ड। ये रमेश पोखरियाल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आंसर दिया है, ठीक है ना। ना तो सिचुएशन इज पर्टिकुलरली एक्यूट इन द IIMs। तो जैसा मैंने कहा कि जो सिचुएशन है वो पर्टिकुलरली कहाँ पर एक्यूट है, IIMs में बहुत ज़्यादा एक्यूट है ये कंडीशन, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड मोर देन 60% ऑफ SC एंड OBC सीट्स जो हैं वो IIM में रिजर्व कैटेगरी की जो हैं वो वैकेंट हैं, वाइल ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पोजीशन रिजर्व फॉर द STs हैव नॉट बीन फिल्ड। तो IIM के केस में तो लगभग 80% जो सीट्स हैं ST कैटेगरी की वो भी वैकेंट है, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू है जो कि IIMs में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर आंसर में के दौरान उन्होंने बताया। देन अगर देखो तो आउट ऑफ 24 पोजीशन, अगर 24 पोजीशन रिजर्व है ST के लिए तो ओनली 4 हैव बीन फुलफिल्ड। मतलब कि अगर 24 पोजीशंस हैं जो कि ST कैटेगरी के लिए हैं, अगर सपोज IIM में, तो केवल 4 ही भरी गई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। फॉर IITs के लिए अगर हम डेटा देखें तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के केस में देखें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे IIT और IIM दोनों के केस में ही, तो जो प्रोफेसर्स का केस है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में इतनी नहीं रहेगी, ठीक है ना। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो वैकेंसीज है दे आर हायर एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर के लेवल में ज़्यादा। इनफैक्ट आप लोग जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे, आपने भी ये फील किया होगा कि यार वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो है ना, प्रोफेसर्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सब आपने भी देखा ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे मूव करते देखते और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मतलब कि 93% सीट्स कहीं कहीं तो IITs में 93% सीट्स वैकेंट है। तो यहाँ पर ये चार्ट है ना, ये पूरा वैकेंसीज को दिखाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
फॉर इंस्टेंस IIMs में अगर देखें तो 79% ऑफ फैकल्टी पोजीशंस रिजल्ट फॉर STs आर वैकेंट. IIMs के केस में 79%. देखो यहाँ पे लिखा है ना IIM के आगे जो टेबल बनी है उसमें देखो IIMs, उसके नीचे SCs में देखो 62% वैकेंसी है, ST में 79% वैकेंसी है, एंड OBC में 63% वैकेंसी है. उसका मतलब है कितनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है देखो, है ना. वहीं पे IISc में तो देखो OBC के केस में 90% रिजर्व सीट्स वैकेंट है, 90% IISc के केस में रिजर्व सीट्स जो हैं वो वैकेंट आ रही हैं. तो ये बहुत बड़ा इशू है, इससे एजुकेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ ही जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उस पर भी इशू पड़ रहा है कहीं ना कहीं, है ना. आर्टिकल 15-16 जो है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. अगला है बिल टू डिफाइन दिल्लीज LG's पावर मूव्ड इन लोकसभा. तो बिल जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को डिफाइन करेगा वो मूव किया गया है लोकसभा में, है ना. होम मिनिस्ट्री जो है वो 1991 के जो एक्ट है उसको अमेंड करने की कोशिश कर रही है. 1991 का कौन सा एक्ट अमेंड करने की कोशिश करी, तो आप सबको पता होगा कि 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है ना. 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और इस एक्ट के तहत ही आपका 239AA आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया था दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी. दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद अ लेजिस्लेचर, और ये किसके एक्ट के थ्रू बना, 1991 में अंडर द आर्टिकल 239AA, अंडर द आर्टिकल 239AA जो कि आपका इंसर्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 69th अमेंडमेंट एक्ट. और ये 69th अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1991 में आया, ठीक है ना. एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट, अभी एग्जिस्टिंग लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द पावर टू मेक लॉज इन ऑल द मैटर एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स में जो लॉज बनाने की पावर है वो दिल्ली के लेजिस्लेचर को दिया गया है, ठीक है ना. ये आप सब जानते हैं. नाउ अब क्या है कि अमेंड करके एलजी के पावर को ये बढ़ाना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ द एलजी. देखो यहाँ पे लिखा है द बिल गिव्स डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर. अब बिल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है किसको, टू द एलजी इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज. तो बिल जो है क्या करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर देगा एलजी को, इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज. मतलब कि जहां पर दिल्ली की गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर जो है वहां पर लॉ बना भी सकती है अगर, तो ऐसे केस में भी एलजी को जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देने की बात की जा रही है. तो ये एक मतलब कि वायोलेशन है एक तरीके से, जो लेजिस्लेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका तो वायोलेशन ही है, एंड वो किया जा रहा है बाय दिस बिल. और अगर ये बिल पास हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. वैसे ही पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड के मामले में ऑलरेडी लॉ नहीं बना सकते हैं, उसमें ऊपर से अगर ये कर दिया जाएगा तो और ज़्यादा इश्यूज बढ़ जाएंगे. Now the proposed legislation also seeks to ensure that LG is necessarily granted an opportunity to give her or his opinion before any decision takes by the Council of Minister. तो Council of Minister कोई भी decision ले इससे पहले इतना मतलब opportunity मिलना चाहिए LG के पास, LG को, कि वो अपने opinion को रख सके. तो basically these are the provisions under the new bill जो कि और ज़्यादा power किसकी बढ़ाएंगे, और ज़्यादा power बढ़ाएंगे LG की power बढ़ाएंगे, ठीक है ना. And further, there is no clarity on what proposals or matters are required to be submitted to Lieutenant Governor before issuing the order. मतलब कई बार ये भी नहीं क्लियर है अभी कि कौन कौन से प्रपोजल जो कैबिनेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो लेजिस्लेचर है उसको कौन से मैटर सबमिट करने हैं बिफोर एलजी, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है. तो ये क्लैरिटी लाने के लिए भी बेसिकली ये बिल लाया गया है, ठीक है ना. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे काफ़ी इशूज़ आने वाले हैं, आई थिंक अगर ये बिल पास हो जाता है तो काफ़ी इशू फर्दर आने वाले हैं इन द वर्किंग ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है ना. दिल्ली गवर्नमेंट के वर्किंग में तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आने वाले हैं, ठीक है. अब बिल प्रपोजेस टू अमेंड, देखो बिल कौन कौन से सेक्शंस को अमेंड करेगा, सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44 ऑफ द 1991 एक्ट. तो 1991 एक्ट के सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 44 ऑफ द 1991 एक्ट, ये कहना चाहिए अमेंड करेगा, ठीक है ना. आगे देखते हैं क्या क्या और न्यूज आइटम्स है जिनका हमको डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव विद मी. यहाँ पे एक न्यूज इंपॉर्टेंट इस पेज से आ रही है कि द SKM यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने रेस किया है फार्म लॉस के मुद्दे को इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने वो मुद्दा उठाया गया है, एंड दे आर आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू रिपील द लॉस, है ना.
इंडियन गवर्नमेंट को ये आस्क कहा गया है कि आप प्लीज़ लॉ को रिपील कर लीजिए, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, तो एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जिसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करना है। UNHRC के 47 मेंबर्स हैं, यानी कि 47 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं फॉर 3 ईयर्स टर्म्स, 3 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, रीजनल ग्रुप बेसिस पे 3-3 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर जो UNHRC का है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो 2006 में बनी थी, 15 मार्च 2006 में बनी थी, और ये बनी थी रिप्लेस करके किसको, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, याद रखिएगा UNCHR को रिमूव करके UNHRC बनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा UNCHR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है ना, CHR को रिप्लेस करके HRC बनाया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, तो यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में हम आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोल पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बूस्ट कर दिया इंडिपेंडेंस ऑफ द SEC, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने बाय इट्स लेटेस्ट डिसीजन। और आपने ये डिसीजन देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कोई भी इलेक्शन की पोस्ट को नहीं लेंगे, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की पोस्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और इसमें केवल और केवल आपके इंडिपेंडेंट पर्सन्स को ही बैठाना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, अदरवाइज स्टेट इलेक्शन कमीशन जो थे वो वहाँ पर क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने किसी खास रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने किसी खास ब्यूरोक्रेट को, एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा देती थी, और इसके बाद क्या करते थे, उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की उम्मीद करते हैं, तो ये तो बहुत कहना चाहिए मुश्किल काम हो जाएगा। एंड ये जो डिसीजन है काफ़ी अच्छा डिसीजन है। लोकल पोल्स जो हैं वो बहुत सारे इश्यूज और हैं वहाँ पर, जैसे कि वॉयलेंस का इशू आता है, आर्बिट्री डिलिमिटेशन का इशू आता है कि जो डिलिमिटेशन भी होता है ना बहुत आर्बिट्रेरिली किया जाता है, ठीक है ना, और अ की फैक्टर इन एनी लोकल बॉडी पोल्स बीइंग कंडक्टेड इज अ इन फेयर एंड फ्री एंड फेयर मैनर इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत कुछ डिपेंड होता है कि कितना फ्री इलेक्शन होगा, कितना फेयर इलेक्शन होगा, और वो चीज़ किस पर डिपेंड करती है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर डिपेंड करती है। और ऐसे में अगर आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी फेवर का हुआ या एक किसी आइडियोलॉजी का हुआ तो बहुत मुश्किल है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के इलेक्शन के लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेगा, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिजीम्स इन द स्टेट्स अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम अमंग देयर फेवरेट्स, मतलब कई स्टेट्स जो हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर देते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं इन द पोस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, और यहाँ पे गोवा का केस खास तौर पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो जो गोवा का केस आया था वैसा कई स्टेट्स में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवा में हो रहा है, तो ये भी अपने को नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ गोवा में ऐसा हो रहा है, काफ़ी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यही है कि एक फ्री एंड फेयर व्यक्ति को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इलेक्शंस भी आपके फ्री एंड फेयर रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के पावर को यूज़ करते हुए, जो इनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं आर्टिकल 142 में, उसको यूज़ करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऑल द इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन हु आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन फ्रॉम देयर पोस्ट, मतलब कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर को यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि जो जितने भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं जो कि अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं वो अपने पोस्ट से स्टेप डाउन कर लें। अगर आपको आर्टिकल 142 नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये आर्टिकल जो है वो इन्फोर्स करता है डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा जो डिक्री है, मैं लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड लेट मी राइट इट डाउन, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये जो पावर है ये डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको इन्फोर्स करने का काम करता है, ठीक है ना, तो डिक्री या फिर एक ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करेगा उसको इन्फोर्स करने का काम करता है, ठीक है ना, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस में
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। इसमें एक और टर्म है कंप्लीट जस्टिस, तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अगर कभी डिक्री या ऑर्डर पास करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो आर्टिकल 142 के तहत ही पास करते हैं। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। अ जॉइंट लीव फॉरवर्ड इन फॉर द क्वाड, तो क्वाड ग्रुप के बारे में आर्टिकल है जिसमें ऑथर ने कहा है कि जो क्वाड ग्रुप है वो काफ़ी जॉइंट लीव ले चुका है बाय इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट समिट अभी फर्स्ट डायलॉग हुआ था 12 मार्च को, इंडिया जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया मिले थे, वहाँ पे एक डिफाइन मूवमेंट है फॉर द एशियन जियोपॉलिटिक्स। अब ऑथर ने कहा कि क्वाड जो नो लॉन्गर इट्स अ कोलिशन, इट्स नो लॉन्गर अ लूज कोलिशन, है ना। तो मतलब कुल मिला के क्वाड का कहना है कि अब हम वो क्वाड नहीं रह गए जो पहले लिबर लिबर करते रहते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो अब क्वाड जो ग्रुप है वो एक बड़ा ग्रुप बन चुका है ना, वो पहले वाला क्वाड नहीं रहा जो लूज ग्रुप था 2004 की सुनामी के बाद बनाया गया था, ठीक है ना। तो अब ये 2006 या 2008 नहीं चल रहा है, पहले क्या था चाइना ने ऑब्जेक्ट कर दिया था तो ये पहले ही ग्रुप में ढीले पड़ गए थे, लेकिन 2017 के बाद से जब चाइना की हॉस्टिलिटी बढ़ने लगी है, इनफैक्ट चाइना की हॉस्टिलिटी जब से यूएसए के साथ बढ़े, क्योंकि देखो बाकी कंट्रीज की तो यूएसए उसको कोई फ़र्क है पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनके साथ अगर आप छेड़खानी करोगे तो उनको फ़र्क पड़ता है। अब चाइना ने क्या किया कि मधुमक्खी के छत्ते में ही हाथ डाल दिया, मतलब कि अमेरिका को ही परेशान करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस ये बात है फिर तो ये होना ही था। तो क्वाड ग्रुप जो है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को लेने के लिए आगे बढ़ गया है, और यहाँ पे 5 हाइलाइट्स जो हैं वो ऑथर ने बताई हैं। 5 हाइलाइट्स हैव बीन गिवन बाय द ऑथर रिगार्डिंग द क्वाड मीटिंग, क्वाड मीटिंग को लेकर के 5 हाइलाइट्स मेन उन्होंने बताई है। पहला है द पास्ट डिकेड ओवर डाइवर्स इवन डिफरिंग विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक आर ओवर, पहले क्या थे बहुत अलग अलग डिफरेंट व्यूज थे रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, वो अब ओवर हो चुके हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसने एक पूरा कॉम्प्रोमाइज़ किया है ताकि यूएस और जापान को प्लीज़ कर सके, मतलब कि उन्होंने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की है ताकि यूएसए और जापान खुश हो सके, लेकिन वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि फ्री ओपन तो रहेगा लेकिन इंक्लूसिव हेल्दी एंड एंकर्ड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी रहेगा। तो यहाँ से फिर वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी सेटिस्फाई किया जा रहा है। दूसरा जो हाईलाइट रहा वो समिट का ये रहा कि दे हैव सिक्योर्ड एन एडिक्वेट अलाइनमेंट ऑफ देयर अप्रोचेस टुवर्ड्स चाइना विदाउट इवन मेंशनिंग द सी वर्ड, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट में कहीं पे चाइना का मेंशन नहीं किया, लेकिन ये साफ समझ में आता है कि चाइना के खिलाफ ये अलाइनमेंट है, क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में जिक्र किया, उन्होंने बोला रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होगा, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो चाहे वो ईस्ट एंड साउथ चाइना सी हो। अ क्लियर आइड असेसमेंट ऑफ द थ्रेट फ्रॉम चाइना शेयर्ड बाय ऑल, मतलब कि क्लियर मतलब एक असेसमेंट है सारे के सारे, जो कहना चाहिए आपके जो कंट्रीज़ हैं वो सब चाइना के खिलाफ एक क्लियर असेसमेंट लेकर के चल रही हैं। तीसरा जो था वो था कि क्वाड हैज़ प्लेस्ड अ प्रीमियम ऑन विनिंग द बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे वो लोगों के दिलों को भी जीतना चाहते हैं, मतलब कि वो ये कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो लोग हैं उनके लिए भी काम करना है, पीस एंड पीस के लिए काम करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, ऑब्वियस सी बात है तो लोगों के दिलों को भी जीतने आए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिमाग से काम करेंगे, वो दिल से भी काम करेंगे, है ना। एंड चौथा है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3 वर्किंग ग्रुप्स ऑन वैक्सीन पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज एंड क्रिटिकल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था उन्होंने, इन्होंने 3 वर्किंग ग्रुप फॉर्म किए हैं ऑन द वैक्सीन पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे जैसे टेलीकॉम हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए और वैक्सीन पार्टनरशिप के लिए इन्होंने 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड स्टेप, एंड जॉइंट R&D जो है वो भी एक एसेंशियल पार्ट है इसका, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। एंड लास्ट जो एस्पेक्ट है वो है द मार्च 12 समिट विल नॉट बी वन ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि एक समिट हो गया 12 मार्च को तब बस हो गया, लीडर्स हैव एग्रीड टू मीट इन पर्सन लेटर द ईयर, अब लीडर्स जो है उन्होंने ये भी बोला कि हम आगे भी मिलते रहेंगे, इन पर्सन भी मिलेंगे, तो इससे क्या होगा और ज़्यादा जो विजन है ब्रॉड होता जाएगा एंड और ज़्यादा इसमें कोऑपरेशन कोलैबोरेशन कहना चाहिए कि बढ़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच विद इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो नो प्रपोजल टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर GST, निर्मला सीतारमण, तो इनका ये कहना है कि अभी तक कोई स्टेट्स ने प्रपोजल नहीं दिया कि डीजल को GST के अंदर किया जाए, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि डीजल को एंड पेट्रोल को GST के अंदर किया जाए तो आप हमको बताएं, दिस इज वॉट देयर वाज इन द आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस होते किस प्रकार के पार्लियामेंट में, तो ये 3-4 प्रकार के होते बता दूं। ये पहला होता है स्टार टाइप क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन मतलब कि वैसा क्वेश्चन इन टू विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर, अगर ओरल आंसर डिजायर हो रहा है तो स्टार्ट क्वेश्चन है,
और वो क्वेश्चन के आगे स्टार लगा रहता है, हिंदी में इसको तारांकित बोलते हैं, तारांकित प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। एंड आंसर्स टू सच अ क्वेश्चन में बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बाय मेंबर्स। तो इसमें ओरल आंसर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चंस। अनस्टार्ट क्वेश्चन ऐसा जिस पर रिटन आंसर चाहिए रहता है, ठीक है ना। तो अनस्टार्ट क्वेश्चंस पे रिटन आंसर चाहिए रहता है और उसको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंड देयर इज नो ओरल आंसर, इसलिए नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन को अतारांकित क्वेश्चन बोलते हैं, अतारांकित प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैसे होते हैं? मेंबर में गिव अ नोटिस ऑफ क्वेश्चन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर ऑफ ओरल आंसर एट अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। तो 10 दिन से कम की नोटिस देकर के अगर आप चाहें तो किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस या अर्जेंट कैरेक्टर के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट है क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। अ क्वेश्चन में बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर अंडर रूल 40 ऑफ द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो एक प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू सम बिल रेजोल्यूशन और मैटर। तो लेकिन यह है कि वो किसी बिल या इन सब से मैटर से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। कैन कॉल फॉर फ्रेश पोल्स इफ नोटा टॉप्स काउंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सेंटर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्या पूछा है कि अगर नोटा के सबसे अधिक वोट आते हैं तो क्या वहाँ पे इलेक्शन रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब आपको ये मैं बता दूं कि अभी तक क्या होता है, प्रोसेस क्या है कि नोटा को कितने भी वोट मिल जाए, अगर एक वोट भी किसी मेंबर को और मिला है तो उसको विनर बना दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब सपोज अगर चार मेंबर्स हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। अगर सपोज ये तीन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, और इनके वोटिंग परसेंटेज है 2% वोट मिला एक्स को, 3% मिला इस दूसरे मेंबर को और 4% मिला इसको मेंबर को। अब कितने हुए, और 91% मिला नोटा को। सपोज 91% नोटा को मिला, करंट जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। तो अभी देखो है तो नोटा सबसे अधिक, नन ऑफ द अबव, लेकिन इन 4% वाले को सिंस इसने सबसे अधिक वोट लिए हैं तो इसको विनर बना दिया जाता है। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, हमारे इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो प्ली गई है सुप्रीम कोर्ट में ये गई है कि अगर नोटा के सबसे अधिक वोट होते हैं तो आपको उन सारे मेंबर्स की कैंडिडेटचर को है रिजेक्ट कर देना चाहिए और नए इलेक्शंस होने चाहिए नए कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है ना। बट ऐसे बोबड़े जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है माननीय, उनका ये कहना था, उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा होगा तो फिर तो बहुत जगह पे कैंडिडेटचर ही खाली रह जाएगा, और अगर वो कैंडिडेटचर खाली रहेगा तो वो रीजन जो है फिर वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मिस्टर गुरुस्वामी ने ये कहा कि इफ़ वोटर्स आर गिवन पावर टू रिजेक्ट देन पॉलिटिकल पार्टीज विल टेक केयर टू फील्ड वर्दी कैंडिडेट्स। ऐसा तो नहीं करेंगे कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज की किसी भी क्रिमिनल को लगा दें या किसी और व्यक्ति को लगा दें, तो है ना, कम से कम ये काम तो नहीं करेंगे। तो इफ वोटर्स को पूरा पावर दे दिया, इसको बोलते हैं राइट टू रिजेक्ट। अभी इंडिया में राइट टू रिजेक्ट नहीं है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी चाहिए कि इंडिया में भी राइट टू रिजेक्ट जो है वो नहीं है, इंडिया में नहीं है ये पावर, है ना। हाँ, नोटा जरूर दिया गया है लेकिन वो राइट टू रिजेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू रिजेक्ट में कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है अगर नोटा के वोट सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट्स डाउन बाय 33%। इंडिया के जो आर्म्स इम्पोर्ट हैं वो 33% घटे हैं। कैसे पता चला? ये पता चला बाय द रिपोर्ट ऑफ सिप्री, यानी कि स्वीडिश थिंक टैंक जो है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वीडिश थिंक टैंक बोलते हैं स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं। अब देखो ये वेपन्स के लिए काम करता है, वेपन्स की रिपोर्ट निकालता है, लेकिन उसको पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तरीके से कहना चाहिए कि कितना ज़्यादा मतलब वॉयलेशन है। तो आर्म्स का जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है बाय 33% बिटवीन 2011-15 एंड 2016-20, है ना। एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द सेकेंड लार्ज, मतलब इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है आफ्टर द सऊदी अरेबिया, ये भी आपको बता दूँ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, सिप्री ने बताया कि ओवरऑल ड्रॉप जो है आर्म्स इम्पोर्ट में 2011-15 से 16-20 के बीच में आर्म्स का काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है। रशिया हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इसराइल और चौथा है USA। याद रखिएगा, पहला है रशिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इसराइल एंड चौथा है
यूएसए, ये अभी 2016 से 20 के पीरियड के लिए बता रहा हूँ। ये जो सिप्री है ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका 1966 में बना था, याद रखिएगा 1966 में बना था। एंड ये वही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वेपन्स, इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट बैट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसके बचाने के लिए कहा है कि जो हाई वोल्टेज लाइन्स हैं, अगर हाई वोल्टेज लाइन्स हैं तो उनको अंडरग्राउंड केबलिंग की जाए उनकी, और अगर हाई वोल्टेज पावर लाइन्स हैं तो उनके लिए अगर आप चाहो तो बर्ड डाइवर्टर्स का यूज़ करो। तो इन दोनों का मिक्स सजेस्ट किया गया है और कहा है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको बचाना जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इनको प्रोटेक्शन के लिए पूरा स्टेप्स उठाओ। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं। पाक इनवॉय रेजेस कंसर्न ओवर बुरका बैन इन श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा है कि निकाब यानी कि जो बुरका है वो आउटलॉ कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको बैन कर दिया जाएगा। एंड ऐसे में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है इन कोलंबो, ही हैज़ रेज्ड दिस कंसर्न एंड कहा है कि दिस इज आउटलॉइंग बुरका इज हर्टिंग और एब्जोरिंग द फीलिंग ऑफ द मुस्लिम्स इन श्रीलंका एंड एल्सवेयर ऑल्सो। तो ये उन्होंने कहा है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला है, बिडेन सीक्स टू बूस्ट एशिया अलायंसेस। अब जो बाइडेन जो है वो एशिया अलायंसेस को बूस्ट करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, वो क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं वो हम बताते हैं। तो तीन टेकअवेज एक्चुअली मिल सकते हैं, थ्री टेकअवेज आर देयर फ्रॉम द जो बाइडेंस फॉरेन पॉलिसी यानी फॉरेन डिप्लोमेसी से तीन चीज़ें क्लियर हैं। पहली, देर इज़ अ कंसेंसस विद इन द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन दैट चाइना एंड नॉट रशिया इज अमेरिकाज प्राइमरी राइवल। तो प्राइमरी राइवल जो अमेरिका का है वो चाइना है ना कि रशिया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट हैज बीन क्लियर बाय दिस। सेकेंड इज दैट अलास्का मीट के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियर कर दिया दैट ही वुड ऑल्सो इंगेज विद चाइना ऑन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट के मैटर्स है तो चाइना के साथ इंगेज भी करना पड़ेगा। सपोज अफगानिस्तान का पीस है तो वहाँ पे चाइना के साथ इंगेज करना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज है, वहाँ पे चाइना के साथ इंगेज करना ज़रूरी है। COVID-19 है, वहाँ पे चाइना के साथ इंगेज करना ज़रूरी है। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ इंगेज भी करेंगे। एंड तीसरा, ये द मेन थिएटर ऑफ यूएस चाइना राइवलरी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। जो मेन थिएटर है इंडो चाइना राइवलरी का वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। और यहाँ पे जो बाइडेन सीम्स टू हैव रिटर्न टू एन ओल्ड प्ले बुक, बिल्ड एन अलायंस, मतलब एक अलायंस बनाओ अगेंस्ट चाइना, जैसे पिवट टू एशिया था ना बराक ओबामा के टाइम में, पिवट टू एशिया था वो भी एंटी चाइना था, वैसे ही अभी ये इंडो पैसिफिक को भी आगे किया जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर थिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।